नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। आज मैं आपको बहुत क्विक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ। अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, ध्यान लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी विधि है जिस पे आप ध्यान लगा के, पहला क्वेश्चन होता है कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन ध्यान किस चीज़ पे लगाएं, कैसे ध्यान लगाएं, वही मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ध्यान से होगा कि आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो बढ़ जाएगा। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है धारणा से बाद की चीज़। पहले आप धारणा करोगे, यानी अपने आपके मन के अंदर स्ट्रांग बनाओगे, अपने अंदर से ताकत लाओगे कि मुझे अब ध्यान करना है, वही आपकी धारणा है। और धारणा के बाद ही ध्यान लगता है, उसके बाद ही समाधि में आप जा पाते हो। बहुत बड़ी स्टेज है, हम ध्यान और धारणा पे ही आ जाते हैं। धारणा आपको कैसे करनी है मैं बताता हूँ। आपको सुबह का वक्त निकालना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में ही कोई काम पे करने वाले हो। आपको करना क्या है, सुबह सुबह जब आप उठ रहे हो, अपना एक घर का कोना ढूंढना है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलेगी। वहाँ अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेने, कमर सीधी कर लेनी है और पैर नीचे से फोल्ड करने, अपने आप को एकदम स्थिर बैठाने की कोशिश करनी है। पहला जो चीज़ आपको करनी है, वो आपको एकदम स्थिर बैठना है, कम से कम हिलना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल सीधा कमर करके आपको बैठनी है। चिन को ग्राउंड के पहले रखनी है, आँखें बंद कर लेनी है। आपको करना क्या है, उसके बाद अपनी सांसों पर, जो हम आम जिंदगी में सांसें भर रहे हैं, हमेशा हमारी जब से हम पैदा हुए हैं जब तक ख़त्म होंगे तब तक हमारी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन हमारा कभी भी उस पर कॉन्शियस दिमाग नहीं रहता है, हमेशा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से वो चल रही होती है। आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्शियस तरीके से उन सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं, नॉस्ट्रल के टिप के अराउंड, यहाँ से जो हम आम जिंदगी में सांस ले रहे हैं, उन स्पीड, उन सांसों की स्पीड की गति को महसूस करना है। शरीर के अंदर जाते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करनी है, और जो सांसें शरीर से बाहर जा रही है, वो सारी नेगेटिविटी जो बॉडी से बाहर जा रही है उसको बाहर छोड़ देना है। सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान लगाना है, अपनी सांसों पर, अंदर जाती हुई सांस उसकी स्पीड, बाहर जाती हुई सांस उसकी स्पीड, सिर्फ इतना आपको ध्यान लगाना है। धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये करते वक्त आपको और कुछ ख्याल आएंगे दिमाग में, कुछ बातें आएंगी, उन्हें आने दो, उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें आने दो, फिर उन्हें जाने दो, फिर दोबारा सांस पे आ जाओ, फिर और ख्याल आएंगे। इस तरीके से आप डेवलप होते रहोगे, और ज़्यादा समय स्टार्टिंग में आपका और चीज़ों में जाएगा, कुछ और सोचने को, दिमाग में कोई भी विचार आता है, कहीं की भी तस्वीर आ जाती है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसमें आपका टाइम जाता रहेगा, आपको कुछ समय होता रहेगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उसमें होगा क्या, फिर आपका ज़्यादा समय आपकी ब्रीथ पे लगने लगेगा और विचारों में कम लगने लगेगा। आप ये सारा गेम एक प्रैक्टिस का है, जो धारणा आप कर रहे हो, और सिर्फ दो चीज़ करनी है आपको, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है, अंदर जाते हुए सांस और बाहर जाते हुए सांस, सिर्फ आपको इतना करना है। इतना करने से ही आपकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है, मेंटल हेल्थ है, वो सही हो जाएगी। जितने आपको थॉट्स विच गलत विचार आते हैं, जैसे भी नेगेटिव विचार आते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की बढ़ने लगोगे, आपका ध्यान बढ़ने लगेगा, और जितनी भी जिंदगी में आप चीज़ें पाना चाहते हो, धीरे धीरे आप पाने लगोगे। सिर्फ कुछ समय आपको निकालना है, 4-5 मिनट सुबह हर रोज, सांसों पे ध्यान लगाइए। करने के बाद आप ज़रूर हमें डिस्क्रिप्शन में बताएं कैसी लगी आपको चीज़। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन योग करना चाहते हैं सुबह या शाम, तो अपना आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो नंबर आपको दिया जा रहा है इस पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे साथ बुक करा सकते हैं। ये वाली प्रैक्टिस आप जरूर करके देखिए, कुछ अपनी सांसों पर ध्यान लगा के देखिए, क्योंकि सांस ही सबसे ज़्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद।